Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. फ्रेंड्स मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का तलपति विजय की फिल्म लियो के 8 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहेदिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ऑनेस्ट एंड ट्रू है। तो यार, सोशल मीडिया पे आप सभी लोगों को पता है एग्जैक्टली क्या चल रहा है लियो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। कुछ मस्ती करने वाले लोग जो है वो जानबूझकर ऐसे ऐसे पोस्टर रिलीज कर रहे हैं जहां पर कलेक्शंस 560 करोड़, 530 करोड़, 550 करोड़ बताया जा रहा है। ये तलपति विजय के फैंस नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो कि ऐसे कलेक्शंस को एक खराब नाम जो है वो देना चाहते हैं। तो उसको साइड में रखिए, आज का एपिसोड देख लिया तो आपको एग्जैक्टली जो ऑफिशियल कलेक्शन है उससे ऊपर नीचे एक नंबर जो मैं आपको देकर जाऊंगा। मेकर्स देखो गाइस, यहाँ पर पता नहीं क्या उनका प्लान है क्या नहीं है, वो तैयारी नहीं है यहाँ पे कोई पोस्टर रिलीज करने के लिए। तो अपना काम है जो कलेक्शन आ रहा है ऑनेस्टली आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज आठवां दिन है, आज के समाप्ति होते होते ये फिल्म कितने पैसे कमा लेगी ये आज के एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ। आई एम द हिंदी वर्जन ऑफ लियो इज अ सक्सेस, इट्स अ हिट। ये बात कान खोल के सुन लीजिए, वो लोग जिनको ये मिसकंसेप्शन है कि तलपति विजय की फिल्म हिंदी में नहीं चली है, वो तो कल मेरा दिमाग घूमा जब मेरे को पता चला कि पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में इसका तमिल वर्जन भी नहीं लगाया है मुंबई में। तब मेरे दिमाग की घंटी बजी कि ये लोग कितना गंदा गेम खेल रहे हैं। अरे अगर ऐसा ही करना था तो फिर साउथ में भी पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में क्यों लगाया तुम लोगों ने तमिल वर्जन? नहीं लगाना था ना। तुम लोग का जो 8-4 वीक का रूल है कि 4 वीक में अगर कोई पिक्चर रिलीज हो रही है तो पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में नहीं लगाएंगे, तो वो साउथ में भी मेंटेन करना था तुम लोग को। यहाँ क्यों किया? यहाँ पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस खाली जा रहा है, 100-100 रुपए 112 रुपए में पब्लिक थिएटर नहीं आ रही देखने के लिए, एंड तुम लोग यहाँ पर तमिल वर्जन भी नहीं लगाए हो। मैं सोच रहा हूँ तमिल वर्जन देख लेता हूँ मैं पीवीआर में जाके, तमिल वर्जन नहीं है, हिंदी वर्जन तो नहीं है, सबको मालूम है। अगर इसका हिंदी वर्जन लगता था ना पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में, आज ये बाप लेवल है कलेक्शन करते हो। जिन लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है कि लियो का हिंदी वर्जन जो नहीं चला है, कान खोल के बात सुन लो, तो हिंदी वर्जन ऑफ लियो इज अ हिट। एंड इसका जो कलेक्शन आया है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, आज का एपिसोड ध्यान से देखना। तो गाइस 7 दिनों तक यानी कि कल तक ये फिल्म थर्सडे रिलीज हुई थी, इस फिल्म ने तमिलनाडु में 171 करोड़ रुपया कमाया है। ये ही वो नंबर है जो आपको जानने की आवश्यकता है। कर्नाटका में 32 करोड़ रुपीस कमाया है। बात करो एपी तेलंगाना की, फिल्म ने 46 करोड़ रुपीस कमाया है। केरला में ऑल टाइम रिकॉर्ड 47.30। रेस्ट ऑफ इंडिया में फिल्म ने 23.75 करोड़ कमाया है, जिसमें से हिंदी वर्जन ने 17.75 करोड़ कमाया है। ट्रेड ने जो फिगर दिया है वो है 16.05 करोड़, लेकिन इस फिल्म ने ईमानदारी से 17.75 करोड़ जो है वो यहाँ पर हिंदी वर्जन में कमाया है, विदाउट पीवीआर, विदाउट आइनॉक्स एंड विदाउट सिनेपोलिस। एंड गणपत ने यहाँ पर 7 दिनों में सिर्फ 12 करोड़ कमाया, विच इज शेमफुल। अगर वही शोज एंड वही स्क्रीन लियो को मिलते ना तो मैं लिख के देता हूँ आज इसके कलेक्शन कहीं ना कहीं 30 करोड़ के ऊपर होते। और सर एंड डन, मैंने पहले ही बोला उनको नहीं चाहिए, उनको भी अपनी फिल्म अपने वहां पर रिलीज करनी है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कृपया करके इस फिल्म को जो है बाहर भी आप लोग रिलीज कीजिए। सो गाइज, इंडिया के कलेक्शन लियो के कितने हुए हैं? 320.05, 320.05 करोड़ डेफिनेटली इस फिल्म ने कमा लिया है। एंड ओवरसीज फिल्म ने 165 करोड़ कमाया है। एंड इसी के साथ इस फिल्म ने 7 दिनों में पूरे विश्व भर में 485.05 करोड़ कमाया है। तो कहीं भी सुन रहे हो कि इसने 550-550 तो फेक पोस्टर सर्क्यूलेट हो रहे हैं, ये ना प्रोडक्शन हाउस रिलीज किया है ना विजय के फैंस रिलीज किए हैं, ये कुछ मस्ती वाले लोग हैं। ओके गाइस, सो आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लैरिटी जो है मिल चुकी है। अगर मैं गलत हुआ तो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के नंबर में हो सकता हूँ, क्योंकि 32 से शायद वो नंबर 36 करोड़ के बीच में होगा, ओवरसीज शायद 165-170 करोड़ होगा, एंड शायद वर्ल्ड वाइड 485-495 होगा, अगर प्रोड्यूसर फिगर देने की यहाँ पर कोशिश या फिर कहते हैं ना भैया कर दीजिए भाई, वो करता है तो, वरना माय नंबर एब्सोल्युटली करेक्ट, 485 इज माय नंबर। एंड अगर प्रोड्यूसर आया मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 495 की लिमिट जाएगा, वहां तक उसके आगे नहीं जाएगा। हिंदी इस फिल्म ने 17.75 करोड़ की कमाई की है। एंड गाइस आज के बारे में बात करें तो आज है इस फिल्म का डे नंबर 8। अब ऑब्वियसली दशहरे का पीरियड समाप्त हुआ, वहां पे छुट्टियां खत्म हुई, स्कूल्स भी खुल गए, सब लोग कामकाज पे चले गए, लेकिन दैट इज ओनली फॉर टुडे। कल से वापस से वीकेंड शुरू होगा एंड इट्स गोना बी मेहम एंड केओस
फ्राइडे सैटरडे एंड संडे तलपति विजय की फिल्म ऐसा बूम होगी कि शायद मंडे को हमारे पास 600 करोड़ क्लब में फिल्म एंटर होते हुए दिखाई दी है। ह्यूज एक्सपेक्टेशंस, ह्यूज उम्मीदें, देखते हैं खरी उतरती है नहीं। चेन्नई में आज 877 शोज है, तो फ्रॉम 1290 द शोज आर नाउ टू 877, ऑक्यूपेंसी भी 34 है। बेंगलुरु की बात करूं 534 शोज है, 588 से ज्यादा ड्रॉप नहीं आया है। चेन्नई में ऑब्वियसली ओवरफ्लो था, छुट्टियां थी, पब्लिक का ह्यूज ओवर डिमांड था, इसलिए शोज ज्यादा थे एंड लगातार उस पिक्चर ने 7 दिन 90 के ऊपर की ऑक्यूपेंसी रखी है। बेंगलुरु में आज भी 25% की ऑक्यूपेंसी है। त्रिची जो कि लगातार 7 दिन हाउसफुल था, आज भी 50 शोज में 55% की ऑक्यूपेंसी है। मुंबई स्टिल हैज 88 शोज 15% ऑक्यूपेंसी। मदुरई में 135 शोज में 25, कोयम्बतूर 255 शोज में 18%, पांडिचेरी आज भी 63 शोज में 45% ऑक्यूपेंसी लेकर चल रहा है। बात करो सैलम की, 62 शोज में 51% ऑक्यूपेंसी। वल्लूर 78 शोज में 54 एंड दिंडीगुल 29 शोज में 41, यानी कि आज भी तमिलनाडु में इस फिल्म में स्टीम बची है वर्किंग डे होने के बावजूद भी। बट हैदराबाद देयर इज नो ड्रॉप एट ऑल, 299 से 293 शोज हुए हैं एंड ऑक्यूपेंसी 40%। विजयवाड़ा 76 से 71 हुआ, 40% ऑक्यूपेंसी, सभी जगहों पर ब्रेक इवन अचीव हो गया। तमिलनाडु में आई थिंक कल परसों हो जाएगा। वाइजैग में 98 से 100 शोज कर दिए हैं, 32% ऑक्यूपेंसी एंड गुंटूर जिला लो 50 से 52 शोज हुआ है, 30% ऑक्यूपेंसी, यानी कि फिल्म साउथ में गिरने का नाम नहीं ले रही। एंड सिर्फ और सिर्फ साउथ नहीं बल्कि हिंदी में जब तक टाइगर 3 नहीं आती तब तक लियो जो है बॉक्स ऑफिस पे चलती रहेगी। एंड बात करूं मुंबई की, 230 से 236 हिंदी शोज हो गए हैं, 12% ऑक्यूपेंसी। दिल्ली एनसीआर 182 से 187 शोज हुए हैं, 19%। बात करो पुणे की, 140 शोज में 13, कोलकाता 32 शोज में 24, अहमदाबाद 265 शोज, मेंटेनेंस 9% ऑक्यूपेंसी। सूरत 162 से 169, 7% माय प्रेडिक्शन। और तलपति विजय लियो 8वें दिन पे है 14 करोड़ रुपया, ये फिल्म 14 करोड़ रुपया कैसे भी कमाएगी इंडिया में एंड ओवरसीज कमाएगी 4। इसी के साथ ये विश्व भर में आज भी 18 करोड़ कमाते हुए अपने वर्ल्ड वाइड टोटल को 503 से 504 करोड़ पहुंचाएगी। तो अगर कल पोस्टर आता है तो समझ जाइए इतने का ही आएगा। कल आई थिंक मेकर्स रुके हुए हैं वो 500 करोड़ ऑफिशियली टच करने के लिए, तभी वो पोस्टर रिलीज करेंगे। तो इंडिया का कलेक्शन होगा 334.05 करोड़ एंड ओवरसीज का कलेक्शन होगा 169 to 170 करोड़। एंड हिंदी वर्जन आज भी 1.20 करोड़ डेफिनेटली कमाएगा। एंड हिंदी वर्जन आफ्टर फर्स्ट एक्सटेंडेड वीक 8 दिनों का 18.95 करोड़ होगा, जो कि एक बाप टोटल होगा। तलपति विजय की फर्स्ट फिल्म टू एंटर 20 करोड़ क्लब इन हिंदी, यही शुरुआत होती है। पहले 20 होगा, फिर 40 एंड एक दिन तलपति विजय की फिल्म हिंदी में 50 करोड़ भी कमा सकती है अगर वो नेक्स्ट टाइम एक प्रॉपर रिलीज ले तो। ओके गाइस, सो बच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा, जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए। साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।